धन्यवाद डोके जी भाई साहब। मित्रों, सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को याद करते हुए माँ गायत्री के मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। और मंत्र को हम लोग कहें, घर में बैठे सभी लोग गायत्री मंत्र के साथ परिचित होंगे, पर मंत्र के महत्व के विषय में दो बातें कहना चाहता हूं। आज यदि हम लोग मनुष्य के जीवन को एक समीक्षा की दृष्टि से देखें, इफ वी गिव ए ग्लांस ऑफ ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ये देखें कि हम लोग क्या थे, क्या कर रहे हैं और हमें क्या होना चाहिए, तो एक चीज स्पष्टता के साथ दिखेगी कि आदमी को मनुष्य का जीवन, चाहे आस्था की दृष्टि से देखें या विज्ञान की दृष्टि से देखें, मिलता तो अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए। आस्था की दृष्टि से भी देखें, और आप चाहे आचार्य शंकर को पढ़ें, विवेकानंद को पढ़ें, महर्षि अरविंद को पढ़ें, गुरुदेव को पढ़ें, या किसी भी धर्म सूत्र से लेकर ब्रह्म सूत्र का वाचन करें, स्पष्टता के साथ आपको देखने को मिलेगा कि हर कोई ये कहता है कि मनुष्य का जीवन हमें डिवाइन पॉसिबिलिटीज को रियलाइज करने के लिए मिलता है, हम लोगों को दिव्य संभावनाओं को साकार करने के लिए मिलता है। अपने अपने हृदय में उतर करके पूछें कि हम लोग कितनी दिव्य संभावनाओं को साकार कर पा रहे हैं। आदमी जिंदगी को जैसे तैसे जी रहा है, उसके अंदर दिव्य संभावनाएं प्रकट हो पा रही हैं या नहीं, इसको बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। और विज्ञान की दृष्टि से भी मनुष्य का जीवन बहुत सारी ऐसी संभावनाओं को साकार करने के लिए मिलता है जो किसी और प्राणी को नसीब में नहीं। तो इन सारी संभावनाओं के मध्य में जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो लगता है कि मानवता कहीं भटक सी गई, बिखर सी गई। सोच करके कुछ और आए थे, करने कुछ और लग गए, जीवन की दिशा कुछ और थी, कहीं और अपने आप को पाते हैं। और ऐसे में भाव उठता है कि यदि कोई शक्ति होती, कोई ताकत होती जो भटके हुए मनुष्य को सही दिशा में लेकर के आ पाती, तो मानवता का कल्याण हो सकता। और जो मंत्र का उद्देश्य है दोस्तों, भटके हुए इंसान को सही दिशा दिखाना है। जैसे गाड़ी में जीपीएस लगा होता है, आप गलत रास्ता ले लो तो बताता है आपको, यू हैव टेकन ए रॉन्ग टर्न, टेक ए यू टर्न, 200 मीटर्स पर राइट लीजिए आप। वैसे ही यदि मंत्र का सही मर्म मनुष्य के जीवन में और व्यक्तित्व में गहरे उतर जाता है, तो यदि जीवन भटक गया हो, सोच गलत हो गई हो, चिंतन दृष्टिकोण के अंदर कहीं से विकृति आ गई हो, इफ यू हैव टेकन ए पॉल्यूटेड माइंड सेट, देन इट रिमाइंड्स अस टू टेक द राइट वन। ये हमें याद दिलाता है कि हमें किस तरह सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और जो गायत्री मंत्र का उद्देश्य है वो यही है दोस्तों। भारतीय इतिहास में, परंपरा में 84,000 के करीब संहिता में मंत्र लिखे गए हैं। उनमें से चुनिंदे हैं जो परिष्कार के भावना के साथ लिखे गए हैं, जिनका उद्देश्य रिफाइनमेंट है, इल्यूमिनेशन है, आदमी के व्यक्तित्व को अंदर से सही दिशा देना है। और जो गायत्री मंत्र के पीछे का उद्देश्य है वो यही है। हम लोग कहते हैं भर्गो, भर्गो का मतलब है जला डालिए। यदि मेरे व्यक्तित्व के अंदर कहीं कोई दोष दुर्गुण आ गए हो, तो हम भगवान से, जिसको भी हम लोग हायर डिवाइन सुप्रीम कॉन्शियसनेस मानते हैं, उससे एक निर्मल हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके सामने एक छोटे बच्चे की तरह से खड़े हैं, दुनिया मुझे कुछ भी कहती रही, पुकारती रहे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, मान दे, सम्मान दे, पर आपके सामने मैं नंगा होकर के खड़ा हूं। जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि मेरे व्यक्तित्व के अंदर दोष है, दुर्गुण है, उसको आप हटा दीजिए, प्लीज रिफाइन इट। इट्स ए वेरी निर्मल, अंदर से एक पवित्र भाव के साथ करी गई प्रार्थना है। साथ ही साथ प्रार्थना यह है कि आप हमें सही दिशा में लेकर के चलिए। देवस्य इनलाइटन माई पाथ। हम अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता जीवन की सही राह क्या है, और ऐसे समय में हमारे अंदर सही सोच आए, सही दिशा आए, ये प्रार्थना हम माँ गायत्री से, सविता देवता से करते हैं। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं धीमही की। धीमही का अर्थ है सद्बुद्धि। आज आदमी के पास बुद्धि की कमी नहीं है, पर दुनिया के जितने घोटाले और षड्यंत्र हो रहे हैं दोस्तों, वो उनके द्वारा नहीं हो रहे जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, उनके द्वारा हो रहे हैं जिनने हार्वर्ड से डिग्री ली थी, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से ली थी। जो 2009 की इंग्लैंड की क्राइसिस आई थी, अमेरिका की क्राइसिस आई थी, लेहमन ब्रदर्स जो लेकर के पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डूबे थे, उनमें से सारे के सारे एलाइट इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाइड लोग थे। बुद्धि की कमी नहीं है, आदमी गलत दिशा में चला गया है। उसको सद्बुद्धि की आवश्यकता है, मानवता से जुड़ी हुई भावना की आवश्यकता है, एक छोटी सी भावना की आवश्यकता है कि भगवान, मेरे अंदर जाने अनजाने यदि कोई दोष दुर्गुण आ गए हो, तो कृपया उनको आप सुधार दीजिए। इस भावना के साथ हम मंत्र को करते हैं। एक छोटी कथा मुझे याद आती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत रहे। उनके एक शिष्य थे हाजी उस्मान, सब्जी बेचने का काम करते थे।
और ईमानदार व्यक्ति थे, उनने अपना जीवन ऊपर वाले को समर्पित कर दिया था, तो उनके पास यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी पैसा लेकर के जाता और बदले में कुछ भी मांगता तो देने में संकोच नहीं करते थे। देख भी लेते थे कि ये सिक्का जो है किसी मतलब का नहीं है, फिर भी दे देते थे। तो उनके मित्र देखा करते थे, उनके दोस्त देखते थे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, छोटे छोटे लोग इनके पास जो है खोटा सिक्का लेकर के आ रहे हैं और बदले में चीजें भी दे देते हैं। तो एक दिन उनके एक मित्र पास में बैठे थे, उन्हें देखा कि एक व्यक्ति आया खोटा सिक्का दिया, उन्होंने देखा हाजी उस्मान ने और देखने के बावजूद कहा कि भैया तू सब्जी ले जा। तो दोस्त ने टोका, दोस्त ने कहा कि देखिए आपको वो व्यक्ति जानबूझ करके मूर्ख बना रहा है, उसको पता है कि आप खोटा सिक्का चला लेंगे इसलिए आपको खोटा सिक्का दे करके जा रहा है, आप क्यों लेते हैं खोटा सिक्का। हाजी उस्मान ने ऊपर देखा और बोले तुम परवरदिगार को देखते हो, मुझ जैसे खोटे बंदे को अब तो चला रहा है तो मैं खोटा सिक्का रोकने वाला कौन होता हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं कोई खोट हमारे अंदर भी आ जाती है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, मंत्र का उद्देश्य मात्र संस्कृत के शब्दों को दोहराना नहीं है बल्कि एक हायर कॉन्शियसनेस, एक वो शक्ति जो इस दुनिया के कण कण में अणु अणु में विद्यमान है उसके सामने अपने हृदय को खोल करके खड़ा कर देना है कि यदि हमारे अंदर कहीं कोई खोट आ गई हो तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसको दूर कर दीजिए, इस व्यक्तित्व को निर्मल कर दीजिए, इसको प्रकाश से पवित्रता से प्रखरता से भर दीजिए। इस भावना के साथ हम गायत्री मंत्र को करते हैं कि हमारे सबके जीवन में कल्याण का अवतरण हो, पवित्रता आए, प्रखरता आए, तेज ओज वर्चस आए और मानवता के कल्याण की भावना आए। इस भावना के साथ कि हम में से सभी उस शुभ पथ के लिए प्रेरित हों, एक बार सभी से विनम्र निवेदन कि कमर को सीधी करके भगवान सूर्य का सविता देवता का आवाहन, माँ गायत्री को आवाहन और निमंत्रण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी के सूक्ष्म संरक्षण में इस अद्भुत सभागार में नागपुर के इस पवित्र क्षेत्र में जो संतत्व की, ज्ञान की, वैराग्य की, तप की, हर तरह की साधना के चरम का प्रतीक रहा एक पवित्र भूमि, यहाँ पर हम लोगों के मध्य उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय प्रोफेसर काणे जी, आदरणीय श्री गांधी जी, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर बालके जी, यहाँ पर उपस्थित नागपुर क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित सम्माननीय नागरिकगण, एनएसएस के सभी विद्यार्थीगण, दिया और गायत्री परिवार के हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, ह्यूमन एक्सीलेंस दोस्तों, मानवीय उत्कर्ष, सोच क्या है इसके पीछे की, इसके पीछे का भाव क्या है। यदि आप लोग शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो इसके पीछे का भाव बहुत सरल है, स्पष्ट है, सीधा है, और भाव यह है कि हम में से हर व्यक्ति चाहे जिस भी माध्यम से आया हो पर अपने अंदर एक यूनिक पॉसिबिलिटी को लेकर के आया है। हम में से कोई भी किसी का रिपीटेशन नहीं, मेरे से पहले कोई चिन्मय पंड्या नहीं हुआ, मेरे बाद नहीं होगा, मैं अपने साथ एक मौलिक संभावना को लेकर के आया हूं जिसको कहीं पर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, जिसको कहीं पर डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। गलती हमसे यह होती है कि हम इस दुनिया के एग्जामिनेशन को समझ नहीं पाते और दूसरे के प्रश्न पत्र की नकल करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम में से हर एक को एक यूनिक प्रश्न पत्र दिया गया है जो दूसरा किसी के पास नहीं है, वो हमें ही हल करना है। और वो हल जब हम लोग करते हैं अपने जीवन की जो यूनिक संभावना है, मौलिक है, जो आप में से प्रत्येक के अंदर है, आप में से हर एक के अंदर एक डिवाइन पॉसिबिलिटी है, उसको जब हम रियलाइजेशन की ओर लेकर के जाते हैं तो फिर हमारे अंदर उत्कर्ष निकल करके आता है। और उस उत्कर्ष की चर्चा हम लोग इस छोटे से प्रेजेंटेशन में करेंगे, लंबा प्रेजेंटेशन नहीं है पर पीछे का भाव गंभीर है, गहन है और गूढ़ है। छोटी सी कहानी भी इसके पीछे की है, उसी को सुना करके अपनी बात को शुरू करूंगा कि यह प्रेजेंटेशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, अस्तित्व में कैसे आया। वर्ष 2007 की बात है, मैं एक हॉस्पिटल है लंदन में, चेल्सी वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल, वहां पर कार्यरत था, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट था, रात की ऑन कॉल कर रहा था कि एक स्टूडेंट
27 साल का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था, वो रात में प्रेजेंट करा। वहाँ पर जो ऑन कॉल होती है उसमें यदि कोई साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है तो बुलाते हैं, तो उसको पहले मेडिकली उन लोगों ने असेस करा और जब मेडिकली फिट हो गया तो उनने हमें कॉल किया देखने के लिए। लड़का 27 ईयर्स का था, बहुत यंग, डायनेमिक, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, और उसने इंटेलिजेंस की दृष्टि से देखें तो कोई कमी नहीं थी। कैम्ब्रिज से उसने 2:1 में ऑनर्स किया था, वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, और बहुत अच्छी डिग्री लेकर के निकला था। आर्थिक दृष्टि से भी कोई कमी नहीं थी। उसके जो पिता थे, आप कभी लंदन जाएं तो उस समय वो लंदन की सबसे ऊंची मंजिल हुआ करती थी, सो ही यूज्ड टू ओन दैट वन, घर के इन टावर हम लोग कहते हैं। सो हिज फादर वॉज द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। और ये जो बालक था, सारी चीजें होने के बावजूद, दिस 27 ईयर ओल्ड बॉय दैट आई सॉ दैट डे, ही डेवलप्ड कोकेन इंटॉक्सिकेशन, उसको ड्रग लेने की बीमारी हो गई। और जब किसी को कोकेन लेने की हो जाती है तो मेडिकली हम लोग उसे बोलते हैं, उसमें एक समस्या होती है जिसको बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन, लिलीपुट से शब्द निकल करके आया है। ऐसे व्यक्ति को ड्रग न मिलने की स्थिति में ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर छोटे छोटे व्यक्ति चल रहे हैं, छोटे छोटे इमेजिनरी फिगर चल रहे हैं। और उनको हटाने के लिए, उसको तब तक डायबिटीज हो गई थी तो इंसुलिन भी लेने लगा था, तो इंसुलिन की सिरिंज से वो उन व्यक्तियों को हटाने की कोशिश करता था जो थे नहीं पर उसको दिखाई पड़ते थे। और जिस रात को हमने उसे देखा, उस दिन उसके शरीर में 27 छेद थे, आप हड्डी देख सकते थे, कंप्लीटली इट वॉज फुल ऑफ होल्स। और धीरे धीरे उसको देखा उस रात को, उन लोगों ने मेडिकली ठीक करा, करने के बाद साइकेट्रिक रीजन से वो हमारे पास आने लगा। तो धीरे धीरे किसी कारण से एक अच्छा संबंध बन गया, एक गहरा भाव बन गया। तो एक रात को जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि बेटा तेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। पिताजी की ने तुझे अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप दिया है, इंटेलिजेंस की दृष्टि से तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या कारण है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जीवन में कमी है? उसने कहा आपसे सच बताऊं, मुझे लगता है कि मेरे पिता के कारण मेरी स्थिति है। मैंने कहा क्यों? बोले आप कल्पना करके देखो कि सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में एक पोडियम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। बोले नॉर्मल व्यक्ति होगा तो 18 साल के बाद कोशिश करेगा अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, फिर उसके बाद एक अच्छी जगह पे मैं पहुंच जाऊं, अच्छी रिलेशनशिप हो जाए, सब कुछ ऐसा हो जाए। बोले मैं 12 साल का था, मुझे गिफ्ट में एक हेलीकॉप्टर मिल गया, 14 साल का हुआ 3 फरारी मिल गई, 18 साल का हुआ $1 million की कंपनी का इंचार्ज बना दिया। अब मेरे पास ऊपर जाने को कुछ नहीं था, नीचे जाने को था। तो मैंने कहा मुझे लगता तो नहीं कि तुम्हारे पिता इसके लिए जिम्मेवार हैं, पर यदि तुम्हें लगता भी है तो ये सोच करके देखो कि जीवन किसका है। सारी जिंदगी तो तुम अपने पिता को ब्लेम करते हुए नहीं गुजार सकते, किसी न किसी को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और वो अंतिम रात थी, उसके बाद तो हमने उसे देखा नहीं। 3 वर्ष के बाद उसने साउथ अफ्रीका से एक पत्र भेजा, और पत्र ये भेजा कि आपने उस दिन जो बात कही थी वो दिल में गहरी चुभी, तो मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया। और बोले घूमते घूमते मैं भारत पहुंचा, भारत में आप लोग जानते होंगे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस्तर पहुंचा, छत्तीसगढ़ का जो छोटा सा अंचल है। बोले वहां पर मैं घूम रहा था, इंटरप्रेटर मेरे साथ था, मैंने एक किसान को देखा जिसके 4 बच्चे थे, छोटा सा उसका घर था, झोपड़ी थी। और बोले वो मेहनत के साथ काम कर रहा था, पसीना उसके आ रहा था और बहुत खुश था, सारी फैमिली अच्छे से नाच गा रही थी, खुश थी। तो बोले मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है, खुश कैसे? तो उसने कहा कि मैंने उससे, अपने इंटरप्रेटर से कहा कि उससे पूछो कि खुश क्यों है इतना, इसके पास तो कुछ भी नहीं। तो इंटरप्रेटर ने उससे पूछा कि भाई ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम खुश कैसे हो? उसने कहा इनसे कहो कि इनको किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास परिवार है। बोले जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि मेरे पास परिवार है, बोले आई टुक द फर्स्ट फ्लाइट बैक टू लंदन, तुरंत मैंने अपनी पहली फ्लाइट ली, लंदन गया और बोले अपने पिताजी को जाकर के गले लगाया। बोले हम दोनों फूट फूट करके रोए 4 घंटे। और बोले मैंने पहली बार महसूस करा कि जिंदगी दर्द का नाम नहीं है, जिंदगी खुशी का नाम है। बोले मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि व्हाट कुड बी द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। दोस्तों वही इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि जिंदगी की व्यस्तता में, जिंदगी की बिजीनेस में, जिंदगी की इंटेंसिटी में हम लोग भूल गए हों कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो एक बार याद कर लेने की आवश्यकता है। हम लोग इस दुनिया में कोई मैनुअल लेकर के तो पैदा नहीं हुए थे कि किसी ने हमें नक्शा देकर के भेजा हो कि हमें दुनिया में कैसे बिहेव करने की आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करके हमें अपने जीवन की दिशा का बोध होता है।
उन महापुरुषों के वचनों को सुनकर के बोध होता है कि हमारे जीवन के अंदर कितनी संभावनाएं, जिन लोगों ने इस जीवन को एक नई संभावना के साथ जिया उनके जीवन को ध्यान से देख करके हमें होश आ पाता है कि हमारे जीवन के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है। गुरुदेव कहते थे कि मनुष्य जीवन हमें मिला है, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये है कि केमिकल रिएक्शन हुई और हम लोग इस केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पर आ गए, वेल इफ दैट्स द रीजन देन वी शुड वेस्ट इट। यदि हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं कि एक केमिकल रीजन हुई और हम लोग यहाँ पर एक जीवन को गुजारने के लिए हैं, तो इसको बिगाड़ने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, फिर तो एक ही बार मिला है, जितना बुरा आदमी करना चाहे कर ले। और बोले दूसरी संभावना यह है कि हमें मनुष्य का जीवन जो मिला है वो किसी दिव्य संभावना को साकार करने के लिए मिला है, एंड इफ वी हैव गॉट दिस लाइफ टू अकम्प्लिश ए डिवाइन ऑब्जेक्टिव, तो फिर हम लोगों को अपने अपने बिजी जीवन से ये 45 मिनट अलग निकालने चाहिए और एक बार पॉज करके उस दिशा में सोचना चाहिए जिस दिशा को पूरा करने के लिए हमें मनुष्य का जीवन मिला है। वही रिमाइंड कराने के लिए ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है। पूरी की पूरी गीता हो जाती है तो गीता के समाप्त होने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण को ये नहीं कहते कि थैंक यू आपने इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज दी, ज्ञान सिखाया, कर्म सिखाया, भक्ति सिखाई, बल्कि ये कहते हैं स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो, थैंक यू आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं। ह्यूमन एक्सीलेंस का उद्देश्य हर एक को याद दिलाना है कि वो कौन है, आपके अंदर कौन सी संभावना है, ये याद दिलाना है कि हम लोग किस डिवाइन पॉसिबिलिटी को लेकर के यहाँ आए हैं और उसको पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन आप एक छोटी सी यात्रा समझ लीजिए, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को शिखर पर जाकर के जिया, द पीपल हु लिव देयर लाइफ अप टू द एब्सोल्यूट समिट टू द पिनाकल, वो लोग मनुष्य जीवन को कैसा सोचते हैं, उनकी क्या अवधारणा है, और उस अवधारणा पर, उस थिंकिंग पर हम लोग कितना खरे उतर पाते हैं। यदि हमें लगता है कि वी आर मिसिंग समथिंग देन व्हाट डू वी नीड टू डू, दिस इज द स्मॉल जर्नी। तो यही तीन चार पथों से यात्रा गुजरेगी और सबसे पहले महापुरुषों के चिंतन के साथ बात को शुरू करूंगा और उसमें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को लेना चाहूंगा। मुझे लगता नहीं कि इस कक्ष में कोई भी उनके नाम से परिचित होगा। दिव्य जीवन उनका रहा, अद्भुत जीवन। स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनेक उदाहरण हैं जो विवेकानंद को विवेकानंद घोषित करने के लिए पर्याप्त हैं, पर एक घटना मुझे हमेशा उनके दिल की छूती है कि जब वो अमेरिका जाने को हुए तो शारदा माँ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और शारदा माँ ने कहा कि बेटा तेरे अमेरिका जाने की बात चल रही है। बोले हाँ। बोले मुझे सब्जी का चाकू दे दे। तो विवेकानंद ने चाकू उठाया और चाकू की जो धार वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखा और मुठ उनकी तरफ पकड़ाई ताकि उनका हाथ न कट जाए। शारदा माँ ने चाकू लिया, बोले बस इतनी परीक्षा लेनी थी, मैं जान गई कि तू विवेकानंद बनकर के लौटेगा। बोले जिसके अंदर ये भाव है कि माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए वो विवेकानंद बनकर के लौटेगा। तो दोस्तों वो विवेकानंद, अद्भुत बातें और दिव्य चिंतन उनने इस भारत भूमि को दिया, भारत को ही क्यों पूरे विश्व को दिया, वेदांत का दर्शन, नव वेदांत का दर्शन, और एक से एक बढ़कर के खूबसूरत बातें उनने कही। पर ये जो बात है ये हमें से हर एक के लिए रिमाइंडर है। उनने कहा दुनिया की सारी ताकतें हमारे पास पहले से हैं, ऑल द पावर इन द यूनिवर्स इज ऑलरेडी आवर्स, इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। इसके लिए और कोई दोषी नहीं है, हम दोषी हैं कि हमने अपने चेहरे को ढक लिया है अपने हाथों से और फिर शिकायत कर रहे हैं कि आज अंधेरा हो गया। आप दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, पर्दे ढक दो, सूरज उगा हुआ है उसकी ओर से मुंह घुमा करके खड़े हो जाओ और हम लोग फिर शिकायत करें कि आज सवेरा नहीं हुआ भाई, सूरज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उसमें सूरज का कसूर नहीं है, उसमें कसूर इस बात का है कि सूरज तो उगा था, हमने देखने से मना कर दिया। विवेकानंद यही याद दिला रहे हैं दोस्तों, मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य के जीवन के साथ साथ संभावनाओं की जो बागडोर है वो हमारे हाथ में सौंप दी गई है। हमें बस याद करने की आवश्यकता है कि हम अपने साथ क्या लेकर के आए। जब विवेकानंद ने चेन्नई में एड्रेस दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को कहा, तो उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी। वो कहानी वेदांत की प्रसिद्ध कहानी है कि एक शेरनी जो गर्भवती थी जंगल में शिकार करने के लिए निकली और जैसे ही वो हमला करने को थी तो पीछे से एक शिकारी आया, शिकारी ने तीर चलाया और शेरनी को तीर लगा, शेरनी की मृत्यु हो गई। तो मरने से पहले उसने छावा शेर के बच्चे को जन्म दिया और जो शेर का बच्चा था वो बिना माँ के था, तो पास में हिरणों का झुंड जा रहा था, उनको दया आ गई। आउट ऑफ कंपैशन दे स्टार्टेड टू रेयर दैट लायन कब, करुणावश उन लोगों ने उस शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो शेर का बच्चा था ये भूल गया कि शेर का बच्चा है, शेर तो इसने देखे नहीं।
इसको लगा मैं हिरणों का बच्चा हूं, अपने आप को हिरण समझने लगा। अब एक दिन एक बड़ा सा शेर आया हिरणों का शिकार करने के लिए, आकर के जोर से दहाड़ा। जैसे ही दहाड़ा तो सारे के सारे हिरण भागे, उनके मन में तो डर था, उनको देख करके शेर भी भागा। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि साहब मैंने हिरणों को भागते जिंदगी भर देखा, ये पहली बार शेर को भागते देख रहा हूं। तो उसने हिरणों को तो दिया छोड़, उसने शेर को पकड़ा, उसने कहा जनाब आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा साहब मुझे माफ करो मैं तो हिरण हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हिरण नहीं हो, आप तो शेर हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो हिरण हूं। तो शेर ने पकड़ा और पकड़ करके नदी के किनारे ले गया, बोले अब झांक करके देख कि तुझमें मुझमें क्या अंतर है। और जैसे ही उसने झांका उसे लगा कि अरे मैं और ये तो बगल वाले जो जेंटलमैन खड़े एक ही हैं। उसके अंदर का शेर वापस आ गया, दहाड़ वापस आ गई। दोस्तों महापुरुषों के जीवन भी, विवेकानंद का जीवन, गुरुदेव का जीवन हमें याद दिलाने के लिए है कि वो शेर हमारे अंदर भी है, भूल गए हम लोग। वो लोग कोई चार हाथ और चार पैर लगा करके नहीं आए थे, हमारी तरह ही एक ही तरह का शरीर लेकर के आए थे। वही दो आंखें उनके पास थी, वही दो हाथ उनके पास थे, सिर्फ सोच भिन्न थी। हम लोग हिंदी में शब्द का प्रयोग करते हैं आकृति और प्रकृति। जब मनुष्य महान बनता है तो आकृति नहीं बदलती, प्रकृति बदल जाती है, उसकी चेतना बदल जाती है। बाहर से आदमी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, अंदर से उसके उद्देश्यों के अंदर उत्कृष्टता आ जाती है, भावनाओं के अंदर समृद्धि, चिंतन के अंदर उदारता आ जाती है। व्यक्ति वही रहता है, व्यक्तित्व बदल जाता है। और दोस्तों उसी की ओर इशारा विवेकानंद ने किया कि यदि आप व्यक्ति वही रहते हैं पर आपका व्यक्तित्व बदल जाता है तो आपके अंदर देवत्व की संभावना आ जाती है। और दोस्तों ये संभावना हम में से हर व्यक्ति लेकर के आया है। मनुष्य जीवन के रूप में खूबसूरती हमारे पास है कि दोनों तरह की संभावनाएं हमारे अंदर है, देवत्व की भी है और असुरता की भी है, शुभ की भी है अशुभ की भी है, अच्छाई की भी है बुराई की भी है, ऊपर जाने की भी है नीचे जाने की भी है। हमारे मध्य से कृष्ण निकल करके आते हैं तो कंस भी आ जाते हैं, हिटलर और मुसोलिनी निकल करके आते हैं तो बुद्ध और महावीर भी आ जाते हैं। हमारे अंदर से बुरे इंसान निकल करके आते हैं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी निकल आते हैं। अंतर मात्र इस बात का है कि आप अपने जीवन में किस संभावना को जीवन का सत्य बनाना चाहते हैं। जिस संभावना को आप आपके जीवन का सत्य बनाना चाहते हैं वो जीवन की परिभाषा बन जाती है। हम में से हरेक के अंदर एक अच्छा इंसान बनने की, एक बेहतर इंसान बनने की, एक श्रेष्ठ महापुरुष बनने की संभावना है। यदि उसको साकार करने के लिए हम लोग कदम उठाते हैं दोस्तों तो हमें से हर व्यक्ति महानता के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर ये संभावना नहीं है। मुझे याद है कि जब विदुर ने दुर्योधन से पूछा और उसने ये प्रश्न किया कि साहब एक बात बताइए, आप और युधिष्ठिर दोनों एक ही स्कूल में गए, दोनों को पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे और दोनों एक ही घर में भी रहते थे, आपके अंकल आंटी दोस्त सब एक ही थे, फिर वो सारे काम धर्म के करता है आप सारे काम अधर्म के करते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो सारे काम अच्छे कर रहा है आप सारे काम बुरे कर रहे हो? तो दुर्योधन बोला जाना पे धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं मेरा मन नहीं। जाना पे अधर्मम न च मे निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं मेरा मन नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहां नियुक्त कर देता है वही करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। पता हर एक को है दोस्तों कि सही क्या है गलत क्या है, आदमी सिर्फ चयन गलत पथ का करता है। और इसी को इस अच्छी सी उक्ति में बताया गया है कि जीवन और कुछ नहीं है, जीवन बी से डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ, जन्म और मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा जीवन की यात्रा है। इसमें से न तो जन्म का क्षण हमारे हाथ में है न मृत्यु का क्षण हमारे हाथ में है, पर जो बीच में छूट गया है सी, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। सी का मतलब है चॉइसेस। जीवन में जिस पथ का चयन हम लोग करते हैं वो हमारे जीवन की परिभाषा बन जाती है। छोटी छोटी घटनाओं से आदमी के महापुरुष होने की पहचान होती है दोस्तों, बड़ी चीजों से नहीं होती। छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब पहली बार रशिया के दौरे पर गए तो उनकी पत्नी बहुत घबराई। उन्होंने कहा मैं तो छोटे से गांव से आई हूँ, एक छोटे से गांव से आई हूँ। बोले लोग मुझसे वहां प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी? तो शास्त्री जी बोले कि तुमसे किसने कहा कि तुम प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में जा रही हो? तुम शास्त्री जी की पत्नी के रूप में जा रही, तुम उनसे वही बात करना जिसके बारे में तुम बताना चाहती हो। शास्त्री जी पत्नी को एकदम निश्चिंतता हो गई। वहां गए तो लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा देखिए मैं भारतीय संस्कृति के विषय में बता सकती हूँ। तुमने भारतीय संस्कृति के विषय में बताया, पाक कला के बारे में बताया और लोगों के दिल जीत करके दोनों लौटे। तो दोस्तों छोटी छोटी घटनाओं से
आदमी के अंदर के महापुरुष की पहचान होती है, और ये चीजें हमारे जीवन के अंतिम परिणाम की यात्रा को तय करती हैं। और यदि इसको साकार करने के लिए हम लोग अपने अपने मन में गहरे उतरे हैं, तो इसी को महर्षि अरविंद ने कहा कि हम में से हर एक के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हमें लगता है कि शायद चुनिंदा लोगों के अंदर ये संभावनाएं हैं जो कि अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। हम में से हर व्यक्ति के अंदर ये संभावनाएं, इसी को महर्षि अरविंद ने कहा कि एवरी वन हैज इन हिम समथिंग डिवाइन, समथिंग इज ओन, ए चांस ऑफ परफेक्शन एंड स्ट्रेंथ, however small a sphere which God offers him to take or refuse, the task is to find it, develop it and use it. This is what we can call excellence. हम में से हर एक के अंदर चाहे छोटी मात्रा में ही सही पर दिव्यता की एक संभावना है, उसको जागृत करने की, उसको गति देने की, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि वैसा हम करते हैं तो फिर हमारे अंदर उत्कर्ष साकार रूप में निकल करके आता है। साधारण शब्दों में कहें दोस्तों, तो हम में से हर व्यक्ति दो तरह की संभावनाओं को लेकर के आया है, एक ऊपर उठने की संभावना है और एक नीचे गिरने की संभावना है। यदि हम ऊपर उठने की संभावना को अपने जीवन का ध्येय बनाते हैं तो फिर हमारे अंदर उत्कर्ष साकार होता है, और नीचे गिरने के लिए तो रास्ते वैसे ही सहजता से खुले हुए हैं। इस दुनिया में एक चीज तो शाश्वत है कि यहाँ पर नीचे गिरने के लिए और बुरा बनने के लिए किसी को प्रयत्न, प्रशिक्षण, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। आदमी यदि अपने जीवन में बुरा करना चाहे तो उसको कहीं कोई ट्रेनिंग लेने जाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा करने के लिए होती। आप पहाड़ से पानी को नीचे गिराना चाहो तो एक धक्का मार दो, ढलान पे खुद ही खुद बहता चला जाएगा, और उस पानी को यदि आपको ऊपर खींचना हो तो पाइप लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। मीटियोर शावर होता है तो धरती के वायुमंडल में घुसते ही ग्रेविटी उनको खींच लेती है, और यदि आपको रॉकेट को ऊपर फेंकना हो तो क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है। जिंदगी में बुरा करना हो तो कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, अच्छा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है, प्रयत्न की, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यदि वो प्रयत्न, पुरुषार्थ, अच्छा बनने के लिए हम लोग एक सामूहिक संकल्प करते हैं तो फिर हमारे अंदर उत्कर्ष निकल करके आता है, और इसी को पूज्य गुरुदेव ने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आप में से जो लोग परिचित नहीं होंगे, अभी डॉक्टर ढोके जी ने यहाँ पर आपको संक्षिप्त सा परिचय पूज्य गुरुदेव का दिया, पर मैं उनके कुछ लोग विद्वान आए देवबंद से और अखंड ज्योति लेकर के आए थे वो लोग, तो अखंड ज्योति लेकर के आए और ये पूछने लग गए कि साहब आपने लिखी है? तो लोगों ने, गुरुदेव ने कहा मैं ही लिखता हूँ। और बोले कि जो प्रवचन हम आपके सुनते हैं वो आप ही के कहे हुए हैं? उनने कहा, बोले अद्भुत साम्य हमें समझ में नहीं आता कि आप एक गांव के व्यक्ति को समझ में आ जाए ऐसी भाषा में बोलते हैं, और जब आप लिखते हैं तो आपकी भाषा इतनी प्योर और प्रिस्टीन है, इतनी परिष्कृत और प्रांजल है कि उस पर व्यक्ति शोध कर सकता है, ऐसा लगता ही नहीं कि एक ही व्यक्ति का लिखा हुआ है। तो गुरुदेव बोले कि गांव की चौपाल पर जो व्यक्ति बैठता है उसके लिए मैं बोलता हूँ, और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो व्यक्ति पढ़ता है उसके लिए लिखता हूँ। तो हैव दैट काइंड ऑफ वर्सेटिलिटी कि दोनों उनके जीवन में आ जाए, ऐसा अद्भुत साम्य और कहीं देखने को नहीं मिलता। और उनके जीवन के जो अंतिम 5 वर्ष थे दोस्तों, वो उन्होंने एक ही चिंतन के लिए डेडिकेट किए कि हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर दिव्य संभावना को लेकर के आया है। भूल गए हैं हम लोग कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हर एक को याद आ जाए कि उसके जीवन का देवी उद्देश्य क्या है, तो इस धरती को स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। आप कल्पना करके देखो कि यदि इस ऑडिटोरियम के अंदर 1000 लोग मौजूद हैं, 1000 लोगों के अंदर की दिव्य संभावना साकार हो जाए तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता क्यों है? ऊपर के स्वर्ग पे तो इतने देवता भी नहीं जितने यहां मिल जाएंगे। आपको किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, वो स्वर्ग यहीं पर खींचा चला आएगा। तो दोस्तों, यदि महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो जो मनुष्य का जीवन हमको आपको मिला है, ये एक पवित्र, पुनीत और पावन संभावना को साकार करने के लिए मिला है, अपना परिष्कार करने के लिए और समाज का कल्याण करने के लिए मिला है। और यदि उस पथ पर हम लोग चलते हैं तो हमारे जीवन की उत्कर्ष की संभावना साकार होती है। और यदि उस पथ से हम लोग भटक जाते हैं दोस्तों, तो पराभव की ओर चले जाते हैं, पतन की ओर, गुमनामी की ओर चले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको उनके परिवार वाले भी याद नहीं करते एक पीढ़ी के बाद, और ऐसे लोग होते हैं जो आज से 1000 साल पहले जी करके गए हैं, पर आज भी आप उनको उन्हीं शिद्दत के साथ, उसी तीव्रता के साथ, उसी प्रेम, उसी आदर, श्रद्धा, सम्मान के साथ याद करते हैं, क्योंकि उनने अपने जीवन को उत्कर्ष के साथ जिया। मनुष्य के जीवन की सही, सार्थक और सफल परिभाषा उत्कर्ष के अंदर है। यदि हम लोग अपने जीवन को एक्सीलेंस के साथ जिए, सही सोच के साथ जिए, सही दृष्टिकोण के साथ जिए, तो उत्कर्ष की संभावना साकार होती है, और नहीं तो हम भटक करके रह जाते हैं। तो महापुरुषों की दृष्टि से उद्देश्य है दोस्तों, पर यदि हम लोग आसपास की दुनिया को देखें
तो पिछले 200-250 वर्षों के अंदर ही हम लोग देखें तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, आदमी के पास पैसा आया है, प्रतिष्ठा आई है, वैभव आया है, तमाम तरह की सुविधाएं आई हैं, पर प्रश्न उठता है कि क्या इसके साथ मन की शांति आई है, क्या इसके साथ जीवन की दिशा आई है, क्या इसके साथ आदमी के जीवन में बोध का उदय हुआ है। तो उत्तर लगता है कि नहीं, आदमी के पास पैसा जरूर आया है पर मन की शांति चली गई, आदमी के पास घर जरूर बड़े हो गए हैं पर उसके परिवार खो गए, आदमी के पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं पर उसके अंदर का अपनत्व, आत्मीयता, सहज स्नेह, विश्वास कहीं खो गए। तो इसलिए वर्तमान समय की कुछ समस्याओं को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और इस दृष्टि से लेकर के आया हूं कि इन समस्याओं का आकलन करते हुए हम लोग भविष्य की दिशा को ले सकें। और एक समस्या जब हम आज के इस समाज पर डालते हैं तो पर्यावरण की। एक छोटा सा मैथमेटिकल इक्वेशन, प्रोफेसर काणे जी यहां पर बैठे हैं, वो यहां पर दिया गया है कि अपनी दुनिया जो है ये 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है साइंटिस्ट के अनुसार। सृष्टि तो 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है पर जो अर्थ है वो 4.6 खरब वर्ष पुरानी। यदि हम लोग उसको एक स्केल पर लेकर के आए और 46 वर्ष पर उसका आकलन करें तो हम लोगों को, मनुष्य को आए हुए इस धरती पर 4 घंटे हुए। उस 4 घंटे में भी जो हम लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकीकरण था, वो करीब 1 मिनट पहले शुरू हुआ। बल्कि यदि आप 24 घंटे की क्लॉक बनाओ मानवता की तो हम लोग लिटरली 2359 पर अपीयर करेंगे। मतलब इस सृष्टि के इतिहास में हमारा कंट्रीब्यूशन मात्र इतना है। तो हम लोग आए हुए 1 मिनट हुए और 4 घंटे हुए, उसमें भी 1 मिनट पहले हमें इस धरती को चलाने की जिम्मेवारी दी गई। और जो दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि इस 1 मिनट के अंदर हम लोगों ने दुनिया के करीब 50% वनों को उजाड़ डाला है, खत्म कर दिए। इधर से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उधर से लोगों के आवास को प्राप्त करने के लिए लोग भूमि को काटते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक पेड़ कटता है तो वर्षा का अनुपात जाता है, भूमि की जो उर्वरता है वो खत्म होती है और प्रदूषण फैलता है। आदमी को ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या बढ़ेगी। आप कल्पना करके देखो कि 1941 में भारत अकेले की बात हम लोग लें तो 1941 में हम लोग 31 करोड़ थे, 2017 का एंड आते आते 130 करोड़ हो जाएंगे। मतलब हम तब की तुलना में आज 4 गुना ज्यादा है। और यदि अमेरिका से कंपैरिजन करके देखें तो अमेरिका हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और आबादी की दृष्टि से 4 गुना कम है। इसका मतलब है कि वहां पर एक व्यक्ति को संसाधन के लिए जितनी चीजें उपलब्ध हैं उससे 12 गुना कम हम लोगों के लिए उपलब्ध है। वी आर गेटिंग 12 टाइम्स लेस। और ये जो आबादी बढ़ रही है ये कुर्सी में स्टूल की नहीं बढ़ रही है, जीवित व्यक्तियों की बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 ऑर्डर करी थी, 1000 कुर्सियां आ गई तो उनको आप स्टोरेज में रखा दो और बाद में उनसे गुजारा कर लेंगे। जीवित इंसान है, जीवित इंसान के लिए आपको आवास की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की जरूरत है। और एक व्यक्ति का गुजारा 2 कमरों के मकान में चल जाता हो तो बात अलग है। आदमी को तो आज की तारीख में बड़े बड़े घर चाहिए। अभी 1 हफ्ता पहले मैं लंदन में था, वहां एक सज्जन ने इन्वाइट करा, वो 3 लोग हैं घर में और 73 कमरे का मकान है उनका सेंट्रल लंदन में। अब बोले कि घर छोटा पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि छोटा कैसे पड़ रहा है? बोले अब आप जैसे लोग आ जाते हैं गेस्ट रूम में, हम लोगों को बिठाना पड़ता है तो बड़े बड़े गेस्ट रूम चाहिए होते हैं। मैंने मन ही मन सोचा मैं हाथी हूं क्या भाई, मुझे 73 कमरों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? आदमी को आवश्यकता क्यों है? पर आप कल्पना करके देखो कि यदि एक व्यक्ति को ही 73 कमरों का मकान चाहिए, उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं है, तो आवास आएगा कहां से? घर कहां से आएंगे? अपार्टमेंट कहां से आएंगे? जमीन को काट करके आएंगे? पर्यावरण को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। एक कोयले को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और पिछले 200 वर्षों में हम सारे को खत्म कर चुके हैं। आने वाले 30 वर्षों में सारे के सारे फॉसिल खत्म हो जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए दुनिया क्या छोड़ करके जाएंगे, उनके लिए क्या छोड़ करके जाएंगे? आज की तारीख में तो आदमी के अंदर इतनी एंड्योरेंस भी नहीं बची है कि वो 10 सीढ़ियां भी ढंग से चढ़ ले। और आज की बाद वाली पीढ़ी के लिए मुश्किल कैसे हो जाएगी जब आज 100-100 मीटर पे जाने के लिए आदमी को गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तब उस स्थिति में जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सारे खनिज खत्म हो जाएंगे, तो हम किस तरह की दुनिया उनको तोहफे में देकर के जा रहे हैं, सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। और इसलिए पर्यावरण का प्रश्न लेकर के आया क्योंकि यदि हम फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी को ही ले लें, मैं हरिद्वार से आया हूं, हम लोग छोटे थे तो वहां पर हम लोग गंगा नदी को मेजर करते थे हाथी के द्वारा, हम कहते थे 1.5 हाथी के बराबर गहरी है। आज आप चले जाइए शांतिकुंज से 200 मीटर की दूरी पर पुरानी गंगा नदी बहती है, और अभी परसों ही मैं वहां पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए गया था, आप टखने टखने में पार कर लीजिए। प्रश्न ये उठता है कि हम गंगा नदी का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि भूगोल पढ़ाना चाहते हैं?
हम उनको ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती थी, या हम उनको ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती हैं? और ये प्रश्न इसलिए सामयिक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आज की तारीख में व्यक्ति जो बिल्कुल ऑब्वियस क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है कि एक पेड़ को लगाने से ऑक्सीजन मिलती है, उसको भूल करके आदमी बैठा हुआ है। आप लोग तो कंसेंशियस, आप लोगों के अंदर तो चेतना है, आप लोगों के अंदर तो जागृत और जीवंत भाव है, आप लोगों की मैं बात नहीं करता, पर ऐसे बहुत से लोगों की बात करता हूं जो पर्यावरण के खतरों को देखते हुए भी उसकी ओर अपनी आंखें मूंद करके बैठ जाते हैं। आप लोगों से कहो कि साहब पेड़ को लगाने से ऑक्सीजन मिलती है, तो पता नहीं आदमी लगाए ना लगाए। आप उससे कहो कि पेड़ को लगाने से वाईफाई का सिग्नल मिलता है, तो हो सकता है लोग लगाने लग जाए। जो चीज बिल्कुल ऑब्वियस है आदमी करने को तैयार नहीं है, और जो चीज नहीं है आदमी उसके लिए एकदम परेशान नजर आ रहा है। और ये सब कुछ जो हुआ है दोस्तों, ये विकास के नाम पर हुआ। आदमी ने कहा कि साहब हमें पर्यावरण का नाश इसलिए करना था क्योंकि विकास जरूरी था। विकास की मैं विरोध की बात नहीं करता, पर एक जो प्रश्न उठता है दोस्तों कि आप कल्पना करके देखो कि विकास से हमें मिला क्या है? एकाकी जीवन मिला है। आज से 15 साल पहले आदमी का एक सोशल सर्कल हुआ करता था। आदमी बाहर जाता था, मूवी देखनी है बाहर जाएगा, उसको खेलना है तो बाहर जाएगा, उसको कुछ करना है तो बाहर जाएगा। आज की तारीख में हर व्यक्ति जो है घर के अंदर और फोन के अंदर सिमट करके रह गया है। उसको रिलेशनशिप बनाने हैं तो फेसबुक पर बना रहा है, उसको मूवी देखनी है तो फोन के अंदर देखने में लगा है। और उसके कारण जो समस्याएं आ रही हैं वो टू फोल्ड आ रही हैं। एक समस्या तो ये आ रही है कि आदमी का अटेंशन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शेयर कर रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने 1979 में शोध करी और उन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति के अंदर अटेंशन लेवल कितना है, तो उन्होंने पाया कि उस समय में इट वॉज 23 मिनट। कि 23 मिनट तक यदि आपको एक थीम दी जाएगी तो आप उसको एकाग्र होकर के सुन सकते हैं, उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। नाउ दे रिपीटेड द सेम रिसर्च एंड इट इज डाउन टू 18 सेकेंड। जब से एंड्रॉइड फोन आए हैं तब से आदमी का अटेंशन लेवल 18 सेकेंड हो गया। 18 सेकेंड में आदमी अपने फोन को उठा करके टटोलेगा, तुरंत देखेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर नोटिफिकेशन आ गया है, ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आ गया और आपको तुरंत प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग अर्जेंट हैपनिंग, पर आदमी क्या तुरंत एकदम फोन चेक करेगा, उसका अटेंशन लेवल इतना ज्यादा घट गया है कि हर 18 सेकंड के अंदर आदमी इधर उधर बटा बिखरा रहता है। आप क्लासरूम में चले जाइए, टीचर से पूछिए, आदमी यदि जमीन पर बैठा हुआ है तो स्टूडेंट जमीन की वो निकालने में लगा हुआ है, धागे निकालने में लगा हुआ है, पंखे गिनने में लगा हुआ है कि कितने पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, इधर वाले का कलर कैसा है, उधर का कलर कैसा है। आदमी का जो अटेंशन लेवल है वो पूरी तरह से बिखर गया है। और जो दूसरी समस्या आई है दोस्तों, वो अधीरता की आई है। आदमी के अंदर जो इम्पेशेंस है बहुत बुरी तरह से आ गया है। आज से 30 वर्ष पहले आदमी चिट्ठी लिखता था, उसका जवाब आता था, आराम से 3-4 हफ्ते लोग इंतजार करते थे। पर आज की तारीख में आदमी मैसेज लिखे और मैसेज का जवाब यदि 5 मिनट में नहीं आए तो आदमी हत्या करने को तैयार हो जाता है। आज से करीब 1 वर्ष पहले, आप लोग सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, पर 1 वर्ष पहले आप न्यूज में देखिएगा, फ्लोरिडा में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए मार दिया क्योंकि वो फेसबुक पर उसकी पिक्चर को लाइक करने में 2 मिनट लेट हो गया था। आप कल्पना करके देखो कि आदमी के अधीरता की सीमा क्या हो गई है कि उसको लगता है कि अभी तुरंत, आज से आप 30 वर्ष पहले आप चिट्ठी लिखोगे, आदमी आराम से इंतजार करता था कि पत्र का उत्तर आएगा, आदमी के अंदर का धैर्य चला गया है। एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो DRDO के डायरेक्टर जनरल रहे, उनसे मैं चर्चा कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि भारत के लिए सामरिक दृष्टि से कौन ज्यादा चुनौती का है, पाकिस्तान की चाइना? उन्होंने कहा आप इन दोनों को भूल जाइए भाई साहब, एंड्रॉइड फोन सबसे ज्यादा चुनौती का है। तो मैंने कहा क्यों? बोले पहले जो सैनिक हुआ करता था वो आराम से बॉर्डर पर पोस्टेड था, तो बोले उसको घर की कोई चिंता नहीं होती थी, आदमी जो है चिट्ठी लिखता था, 3-4 हफ्ते में जाती थी। बोले अब सुबह से शाम में 12 मैसेज आ जाते हैं और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता उसके लिए। तो बोले उसके अंदर का जो इम्पेशियंस लेवल है और जो एंग्जाइटी वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ही कैन डू लिटिल अबाउट इट। उन्होंने कहा कि वो वहां पर बैठा है, वो अपना पूरा फोकस लगाता था। पहले यदि आप 3 हफ्ते में चिट्ठी लिखते थे तो ऐसा नहीं कि आप घर की हर छोटी समस्या लिखेंगे, पर चूंकि अब दिन में आप 10 मैसेज भेज सकते हैं तो घर की हर छोटी समस्या, स्कूल के कॉलेज में नहीं हुआ, आज फीस लेने में 1 घंटे की डिले हो गया और आदमी वहां पर परेशान हो रहा है। तो दोस्तों प्रोग्रेस के साथ ही चुनौती निकल करके आई है। और एक और चुनौती जो निकल करके आई है, जो मथायस ने कहा, फेमस फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि लोग इसलिए थे, संबंध इसलिए थे, पीपल वर क्रिएटेड टू बी लव्ड, हम लोगों की रिलेशनशिप इसलिए थी कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, थिंग्स वर क्रिएटेड टू बी यूज्ड, चीजें इसलिए थी कि हम इस्तेमाल कर सकें, और दुनिया इसलिए तकलीफ में है क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम चीजों को तो प्यार कर रहे हैं और संबंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने संबंधों को तो मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं और चीजों को प्यार करने में लगे हुए हैं।
आदमी से आप पूछ करके देखो क्या वैल्यू का है, तो आदमी के पास अपने लैपटॉप के लिए तो एक से एक बढ़कर के शब्द हैं, उनको उसने प्यार का नाम रखा हुआ है और न जाने क्या, पर माता पिता के लिए नहीं। आदमी डेढ़ डेढ़ घंटे बैठ करके फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करने को तैयार है, पर घर में लोग बैठे उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं। आदमी संबंध बुरी तरह से आदमी के लड़खड़ाए हुए हैं। 2009 की बात है, हम लोग लंदन में थे, उस समय में एक सर्वे किया गया था जो बाद में पब्लिश भी हुआ, और लोगों से पूछा गया कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू का क्या है। 62% लोगों ने कहा आईफोन, उसके बाद आईपैड, उसके बाद आईमैक, उसके बाद फिर गाड़ी, उसके बाद फिर कुत्ता बिल्ली, फिर माता पिता का नंबर आया। आप कल्पना करके देखो कि हमारी आंखों के सामने जो संबंधों का मूल्य है वो घटता चला जा रहा है, और इसके साथ साथ जो चुनौती की बात है वो ये है कि इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी सुरक्षा क्या है। माता पिता को चिंता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन वहां डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है, और इसके साथ साथ आयरोनिकली वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड वेयर डिलीटिंग हिस्ट्री हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिएटिंग हिस्ट्री। कि आदमी इंटरनेट पर किस चीज को देखता है उसको डिलीट करने पर उसका ध्यान ज्यादा है, बजाय इसके कि वो हिस्ट्री क्रिएट करने पर ध्यान दे। और इसके कारण दोस्तों जो आज की स्थिति हो गई है वो ये हो गई है कि लोगों के घर बड़े हो गए हैं, परिवार छोटे हो गए, चले गए, आदमी के बीच का प्यार खत्म हो गया है। हमारे एक जानने वाले हैं जिनमें पांचों माता पिता और जो तीन बच्चे हैं उनके, तीनों पांच कॉन्टिनेंट में रहते हैं, और जब उनने फ्रेंड्स कॉलोनी में 14 मंजिल का अपना घर बनाया और जब अभी मिले वो लोग 3 वर्ष के बाद, तो ये याद नहीं आया कि घर की चाबी किसके पास थी, क्योंकि सब लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हैं। घर बड़े हैं, कहने को तो 54-14 मंजिल का बना हुआ है, पर परिवार नहीं रह गया वहां। एजुकेशन बढ़ गई है दोस्तों, पर आदमी के अंदर की कॉमन सेंस चली गई है। पहले की तुलना में आदमी PhD ज्यादा लेकर के बैठा है, पर तर्क लेकर के बैठा है, उसके पीछे का कॉमन सेंस लेकर के नहीं बैठा। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति एक दिन ये तय करके आया कि मैं आज जो है पुजारी जी से बहस करके रहूंगा। पुजारी जी मंदिर में खड़े थे, उनसे आकर के बहस करने लगा। बोला कि एक बात बताइए साहब कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी जी ने कहा भाई भगवान बड़ा है। बोले भगवान बड़ा है तो मंदिर में क्यों खड़ा है। उन्होंने कहा साहब मंदिर भगवान का घर है इसलिए भगवान उसमें है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है। उन्होंने कहा धरती माँ है, सबको धारण करती। बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों खड़ी। उन्होंने कहा शेषनाग भगवान शिव का, भगवान विष्णु का रूप है, उनके छत्रप है। बोले इसलिए वो अपने पे धारण करते हैं। बोले शेष जी बड़े हैं तो क्या शिव जी के गले में क्यों पड़े। उन्होंने कहा भगवान शिव सबको धारण करने वाले हैं। बोले शिव जी बड़े हैं तो कैलाश पर क्यों खड़े। उन्होंने कहा कैलाश उनका घर है। बोले कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पर क्यों खड़ा है। हनुमान जी ने उठा लिया था अपनी कानी उंगली पर। अब एक संत देख रहे थे, उन्होंने कहा तो सिर्फ तर्क की दृष्टि से आया है। बोले तू इससे ये कह दे कि भैया तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि भैया आप ही सबसे बड़े हो। खुश हो गया आदमी। तो संत बोले कि एक बात बता बेटा कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। तर्क की दृष्टि से देखें दोस्तों तो उत्तर नहीं है। तर्क की दृष्टि से तो एक से एक बढ़कर के तर्क है, पर आदमी की कॉमन सेंस चली गई है। और एक और समस्या है कि आज मेडिसिन एडवांस हो गई है पर आदमी की हेल्थ कमजोर हो गई है। बेहतर हॉस्पिटल है, सर्जरीज बेहतर हैं, पर आदमी की स्टेमिना बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। एक तरफ हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए हैं तो पड़ोसी का पता पूछा जाए तो आदमी को पता नहीं क्या हो रहा है जीवन में, आसपास के गली मोहल्लों में क्या हो रहा है नहीं पता। एक तरफ आदमी के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं पर मन की शांति चली गई। हम लोग 2-3 वर्ष पहले की बात है, बॉम्बे में एक कार्यक्रम में मैं था तो एक सज्जन है वो मिले, वो करोड़पति हैं, वो रोने लग गए फूट फूट करके। तो मैंने पूछा क्या बात हुई। बोले भाई साहब बहुत नुकसान हो गया। मैंने कहा कितने का। बोले 1 करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने कहा ज्यादा हो गया आपको। उनकी पत्नी बोले आप इनकी बात मत सुनो, ये मन में 15 करोड़ का फायदा समझ करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। तो एक्चुअल में तो 14 करोड़ का फायदा हुआ है, पर आदमी चूंकि मन में सोच करके बैठा था इसलिए उसको लग रहा है कि नुकसान हो गया। तो आदमी के पास पैसे तो आए हैं पर मन की शांति चली गई है। और दोस्तों एक तरफ नॉलेज बढ़ी है तो उधर से विजडम विदा हो गई। और जो सबसे ज्यादा चुनौती की बात है दोस्तों वो ये है कि जनसंख्या बढ़ गई है पर मानवता खो गई। और जो आज की स्थिति है वो कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है। और इसलिए दिखाई पड़ती है, जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं कि यदि आप देखो कि छोटे बच्चे में और बड़े व्यक्ति में क्या अंतर है, तो अंतर मात्र इतना है कि छोटे वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं, शरीर की दृष्टि से आदमी बड़ा हो गया है, दाढ़ी मूछ आ गई है, पद प्रतिष्ठा आ गई है। छोटे बच्चे के लिए छोटी खुशी भी महत्वपूर्ण है, छोटे बच्चे के लिए छोटी खुशी भी बड़ी हो जाती है,
छोटा सा बच्चा है, 2-3 महीने का, आप मुस्कुरा करके देखोगे तो खुश हो जाएगा, उसको आप ताली बजाओगे तो खिलखिला के हंसने लगेगा। 2-3 साल का बच्चा है, आप उसे टॉफी का रैपर दिखाओगे तो उसे लगेगा भगवान जाने कौन सा खजाना मुझे पकड़ा दिया, बहुत खुश हो जाएगा। और बड़ा व्यक्ति है उसके लिए बड़ी चीज भी शिकायत का कारण बन जाती है। मर्सिडीज की गाड़ी ला करके दे दो आप, वो कहेगा हमें कलर ही नहीं चाहिए था, हमें तो मेटेलिक ग्रे चाहिए था, कौन से वाला कलर ला करके दे दिया। आप उसे आईफोन ला करके दे दो, कहेगा हमें 16 GB का दे दिया, हमें तो 64 GB का चाहिए था। आदमी जो है बड़ा तो हो गया है पर मन की शिकायतें भी बड़ी हो गई हैं, और इसीलिए दोस्तों कहीं मानवता खोई खोई सी नजर आती है। और उसके कारण जो स्थिति है वो ये है कि हम भगे चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं। जिंदगी एक दौड़ हो गई है, हर कोई भाग रहा है इसलिए हम भी भाग रहे हैं। और जब तक होश आता है कि हमें जीवन किन उद्देश्यों के साथ जीने की आवश्यकता थी, तब तक बहुत देर हो जाती है। आदमी एक अंध दौड़ में चला जा रहा है। 2003 की या 4 की बात है, चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में मेरी पहली जॉब थी और हम लोग निकले, मेरे साथ एक मित्र था यहीं का, महाराष्ट्र का था, और हम लोग निकले अपने साथ साथ। तो चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल जो है वो हैमरस्मिथ ट्यूब स्टेशन से नज़दीक में है, तो जैसे ही ट्रेन से बाहर आए वहाँ से 12 मिनट की वॉक है। सुबह 8:20 पे हम लोग पहुँच गए थे, बाहर निकल करके सिर्फ वॉक ही करना था फुलम पैलेस रोड पर। और जैसे ही बाहर आए वैसे ही वो भागने लग गया बहुत तेज़ी से। तो मुझे लगा कि आज तो ऐसा कोई जल्दी का काम भी नहीं था, इतना तेज क्यों भागा है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागा, मुझे लगा कि शायद उसका बटुआ वगैरह कट गया क्या। मैंने पकड़ा उसे जहाँ पर टिकट दिखाते हैं वहाँ से पहले, मैंने कहा क्यों भाग रहा है। बोले यार सब भाग रहे थे, मैं भी भागने लग गया। अब वो जो जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों, कईयों की हो जाती है, हम भाग रहे हैं, हमें लगता है ये जॉब की आवश्यकता है, हमें लगता है घर की आवश्यकता है। जॉब मिला तो मन में शांति आई क्या, पद मिला तो मन में शांति आई क्या, प्रतिष्ठा मिल गई तो मन में शांति आई क्या, पैसे मिल गए तो क्या मन में शांति आई। ये मिलने के बावजूद मन में शांति नहीं आती दोस्तों, क्योंकि मन की शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। और इस चीज को याद करने के लिए मानवीय उत्कर्ष की यात्रा है। तो यहाँ पर दूसरा सेगमेंट एंड होता है दोस्तों, कि पहले सेगमेंट की दृष्टि से देखें तो मनुष्य का जीवन हमें दिव्य और ऊंची संभावनाओं को साकार करने के लिए मिलता है। आसपास की दुनिया पर दृष्टि डालें तो भटके भटके से इंसान नजर आते हैं, व्यक्ति भटके हुए हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रहे हैं, दुनिया किस दिशा में जा रही है, उसका उनका उद्देश्य क्या है, तो आदमी को उत्तर देने में 3 महीने लग जाएंगे। हम लोग बिजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य आ गया। बिजी होने से जीवन का उद्देश्य नहीं आता, उद्देश्य क्या है ये करने से नहीं आता, क्यों है इससे पता चलता है। क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। फांसी पर तो हत्यारा भी चढ़ता है और भगत सिंह भी चढ़ते हैं, उद्देश्य बदल जाते हैं। क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों किया है महत्वपूर्ण है। और जब भी बात उद्देश्य की आती है तो लोग ये कहते हैं साहब हम छोटे हैं, हम बड़े हो जाएंगे तो लेंगे, हम पे पैसा कम है, पैसा आ जाएगा, डिग्री होगी तो डिग्री लेकर के आ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कुछ उदाहरण ऐसे लोगों के आपके सामने लेकर के आए हैं जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह बिल्कुल हम्बल ग्राउंड से निकल करके आए, और तब भी उनने अपने जीवन को एक गंभीर उद्देश्य के साथ जिया। एक अच्छा उदाहरण जेम्स हैरिसन का है। जेम्स हैरिसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, अभी आज से करीब 10 से 12 वर्ष पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया, विक्टोरिया ऑर्डर ऑफ मेरिट हम लोग कहते हैं, वो उनको दिया गया। जैसे हम लोगों के यहाँ भारत रत्न है वैसे ही वहाँ विक्टोरिया ऑर्डर ऑफ मेरिट। और जेम्स हैरिसन जो है वो बिल्कुल सिंपल लेबरर का काम करते हैं, 4th क्लास तक उनकी एजुकेशन हुई। तो उन्होंने ऐसा क्या स्पेशल किया कि वहाँ की सरकार ने जो कभी 10 वर्ष में एक अवार्ड वो किसी को देते हैं उनको दिया, ऐसा क्या किया। ऐसा ये किया दोस्तों कि जब वो 13 साल के थे साइकिल पर जा रहे थे कि एक ट्रक सामने से आया, उसने टक्कर मार दी, जमीन पर गिर गए, खून बहने लगा, आसपास के लोगों ने उनको उठाया, हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में उनको रहना पड़ा। 3 महीने के बाद आईसीयू से निकल करके आ पाए और 14 लोगों को खून देना पड़ा तब जाकर के उनका जीवन बच पाया। बाहर आए, ठीक हो गए, व्हेन ही रिक्यूपरेटेड, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा है कि मेरा जीवन सुरक्षित हो पाया रक्तदान के कारण, बिकॉज पीपल डोनेटेड ब्लड। उन्होंने कहा कि अब मैं जब 18 वर्ष का हो जाऊंगा, जो कि लीगल लिमिट है खून देने की, आपको कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, बोले जैसे ही मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा सबसे पहला काम यही करूंगा कि मैं खून दूंगा। 18 वर्ष के हो गए, जन्मदिन की पार्टी करी, हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो आप में से कईयों ने ब्लड डोनेट किया होगा। डोनेशन से पहले लोग चेक करके देखते हैं कि आपके ब्लड में कोई डिजीज तो नहीं है, आपका ब्लड सेफ है चढ़ाने के लिए। तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने करी और उन्होंने पाया कि उनका ब्लड यूनिक है। उनके ब्लड में ऐसा अनयूजुअल प्लाज्मा का कॉम्बिनेशन था कि यदि उनका ब्लड
उन बच्चों को चढ़ाया जाता है जिनको रीसस इनकॉम्पिटेबिलिटी थी। रीसस इनकॉम्पिटेबिलिटी का मतलब माता और पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग था और उनका ब्लड ही उनको चढ़ाया जाए तो उनका जीवन बच जाएगा। तो 18 साल की उम्र से लेकर 73 साल तक जब ये फोटो लिया गया, जेम्स हैरिसन ने 1000 लीटर खून दिया, 2,00,000 बच्चों का जीवन बचाया, 34 देशों में उनका खून गया। आप कल्पना करके देखो कि कोई बहुत बड़ा पर्पज नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी बना दी, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बना दिया, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया। सिंपल पर्पज है, साधारण सा पर्पज है, पर चूंकि उनने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसको निभाया तो ही मैनेज टू क्रिएट ए चेंज इन द लाइफ ऑफ 2 मिलियन पीपल। एक व्यक्ति के संकल्प के कारण 20,00,000 लोगों का भला हो गया। कल्पना करके देखो, हम में से कोई भी छोटा सा संकल्प ले ले, हजारी बाग जो पूरा का पूरा बसा हुआ है, एक हजारी किसान के कारण बसा हुआ है। लखनऊ गए वो, लखनऊ में उनने देखा, उनने कहा कि साहब आम आ रहे हैं। बोले हमारे यहाँ क्यों नहीं आते आम? बोले आपके आम के पेड़ नहीं है। बोले ठीक है हम लगाएंगे। अब उनने निश्चय कर लिया कि रोज खेत पर जाएंगे तो 2 आम के पेड़ सुबह लगाएंगे, 2 शाम को लगाएंगे। तो एवरी डे ही वॉज प्लांटिंग 4 ट्रीज। अपने जीवन में 87,000 ट्रीज अकेले हजारी ने लगा दिए तो हजारी बाग बन गया। आप कल्पना करके देखो, एक व्यक्ति के संकल्प के कारण पूरा का पूरा शहर बस गया। वो दशरथ माझी के मन में संकल्प आ गया कि साहब हमारी पत्नी को 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, तो पहाड़ को छेद करके उनने पूरा रास्ता बना दिया। मन में संकल्प आ जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एक छोटा सा ऐसे ही उदाहरण इस कार्ल नाम के लड़के का है, शिकागो का रहने वाला। 8 साल का था, मेले में घूमने के लिए गया। वहां पर आंख पे पट्टी बांधते हैं और फिर आप वो फ्रिस्बी फेंकते हैं, जहां पर लैंड कर जाए तो आपकी हो जाती है। तो उनने फ्रिस्बी फेंकी और जैसे ही फ्रिस्बी गिरी तो $1,000 का लिफाफा था, इनको इनाम में $1,000 मिल गए। मम्मी पापा ने पूछा कि क्या करोगे बेटा इस $1,000 का? तो उसने कहा कि आपको डिज्नीलैंड घूमना है, कहाँ जाना है? मम्मी ने पूछा। बोले नहीं, वो अपने पड़ोस में जो लड़की है कायला, उसको ब्लड का कैंसर है मम्मी, बोले उसको दे देते हैं। तो उसने फ़ोन किया कायला की मम्मी को, और जब उसने फ़ोन किया तो उसकी माँ रोने लग गई। उसने कहा 8 साल के बच्चे से थोड़ी पैसे लूँगी मैं। और उसने अपनी कहानी जो है शिकागो ट्रिब्यून को दी। शिकागो ट्रिब्यून ने जब कहानी छापी तो कार्ल से इंस्पायर होकर के पहले दिन में 200 के करीब बच्चियों के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा हो गया, 200 के करीब। आप कल्पना करके देखो कि एक व्यक्ति के मन में अच्छा संकल्प आ जाए। हमें लगता है कि हमारे संकल्प के अंदर कितना बल है, यदि हमारे संकल्प में एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो हजारों का भला हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसा ही संकल्प भारत की रहने वाली सुभाषिनी मिस्त्री के अंदर आया। आमिर खान ने जब सत्यमेव जयते बनाया था तो एक सीरियल उनके ऊपर डेडिकेट किया था। महिला जो है सब्जी बेचने का काम करती हैं, बहुत छोटा सा गांव है हसनपुकुर, मेदिनीपुर जिला बंगाल, वहां की रहने वाली सब्जी बेचने वाली महिला। 21 साल की थी वो, उनके 4 बच्चे थे। सबसे छोटी जो बच्ची थी वो 4 महीने की थी, 3 महीने की थी। और उनके पति को बीमारी हुई, जब तक इलाज कराते जब तक देहांत हो गया। अब 21 साल की महिला पढ़ लिख नहीं सकती थी, शी वॉज इलिटरेट, विधवा हो गई। आप कल्पना करके देखो भारत में कितनी उनकी भविष्य की संभावना क्या है। गांव में सब्जी बेचने का काम करती थी, कुछ नहीं। और उन्हें मन में संकल्प लिया कि साहब मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी, जब तक हॉस्पिटल नहीं खोलूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। सो दिस इज द प्लेज दैट शी टुक। अब जो भी सुनीता वो हंसता, वो कहता कि साहब हॉस्पिटल कैसे खोलोगी, आप अपना घर ही बना लो पहले, बहुत बड़ी बात है। 47 साल निकल गए। उनका जो तीसरे नंबर का लड़का था अजय, वो डॉक्टर बन गया, यूनिवर्सिटी कैलकटा से MD भी कर ली, बहुत अच्छी जॉब मिली, छोड़ करके गांव चला गया। तो जो पीयर्स थे उसके, प्रोफेसर्स थे, कलीग्स थे, उन्होंने कहा गया कहाँ वो, देखने के लिए गए। और जब वो गांव में गए तो उनको उनकी कहानी पता चली। तब तक 47 साल हो गए थे और 22,000 रुपये बचा पाई थी मुश्किल से। आप नागपुर शहर का मुझे नहीं पता, दिल्ली में आप चले जाओ तो उतने पैसों में आपको ढंग का कमरा भी नहीं मिलेगा एक महीने के लिए किराए का। हॉस्पिटल खोलना तो बहुत दूर की बात। पर जब बाकियों को कहानी पता चली दोस्तों, तो एक सब जिसको पता चली वो सबके सब रोने लग गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा साहब महिला ऐसी भी हो सकती है। 47 साल में उसने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे, बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा था, घर नहीं बनवाया था। तो लोगों ने कहा हम देंगे साहब, आपका संकल्प है ना, हम लोग देंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम देंगे। किसी ने जमीन दे दी, किसी ने कहा मैं सारी ईंटें लगा दूंगा, किसी ने कहा मैं सारा सीमेंट लगा दूंगा, डॉक्टरों ने कहा मैं फ्री में इलाज कर दूंगा। तो आज से 10 साल पहले उनने अपने गांव में हॉस्पिटल खोला, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर, गरीबों के लिए गरीबों के द्वारा। आप कल्पना करके देखो, एक व्यक्ति के मन में संकल्प आ जाए तो कितनों का भला हो सकता है। दोस्तों, हमारे मन में सच्चा संकल्प आ जाए तो हजारों का भला हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में आग लगी, हमारे संकल्प से क्या होगा,
आपने वो कहानी सुनी होगी कि आग लग गई तो एक चिड़िया आग की तरफ भागी पानी लेकर के। शेर ने कहा कहाँ जा रही है भाई? उसने कहा आग बुझाने। बोले तेरे से कैसे आग बुझेगी? उसने अपनी चोंच खोली, पानी गिर गया, दो बूंद थी वहीं पर बुझ गई। बोले कम से कम इतने की तो बुझ गई। शेर ने कहा हम भी लग जाते हैं। शेर भी साथ लग गया बुझाने के लिए। देखते देखते पूरा जंगल लग गया। दोस्तों यदि एक के मन में अच्छा संकल्प आ जाए तो उसको देख करके हजार खड़े हो जाते हैं, हजार को देख करके लाख खड़े हो जाते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ आप आए हो एक अच्छा संकल्प लेकर के जाना। पहली बात जो गुरुदेव ने कही वो है उद्देश्य। दूसरी बात है उत्सर्ग का भाव, समाज के लिए जीने का भाव। गुरुदेव ने कहा यदि हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारी इच्छा है हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, तो हमसे अच्छा तो जानवर है, कम से कम उसका चमड़ा तो किसी काम आ जाएगा, हम तो किसी के भी काम नहीं आ पाए। इंसान होने के नाते हमारे जीवन का उद्देश्य इंसानियत है दोस्तों। यदि हम मानवता के लिए जी पाते हैं तो फिर जीवन का सही उद्देश्य पूरा हो पाता है। अब अपने इतिहास के उदाहरणों को देखो, चाहे अरुणी रहे हों जिनने अपने शरीर को लगा दिया आश्रम की रक्षा के लिए, चाहे वो दधीची रहे हों जिनने अपनी हड्डियां मानवता की रक्षा के लिए दे दी, या फिर रंतिदेव इसी क्षेत्र के रहने वाले राजा थे, 48 दिन तक उनने अपने राज्य की रक्षा के लिए व्रत रखा। उनके यहाँ पे अकाल पड़ गया था, लोगों ने कहा प्राजापत्य व्रत होता है, राजा यदि स्वयं भूखा रहे 48 दिन तक तो बारिश होती है। रंतिदेव थे, भूखे रहे, एक पानी का वो भी नहीं लिया, बूंद भी नहीं ली और अन्न का एक ग्रास भी नहीं लिया। 48 दिन के बाद बारिश होने लगी तो चार रोटी और एक गिलास पानी लेकर के बैठे, और जैसे ही बैठे वैसे एक व्यक्ति आ गया, बोला साहब मैं यहाँ का विद्वान हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। तो ब्राह्मण थे, उनने एक रोटी उनको दे दी। शमशान के रखवाले आ गए, बोले साहब मैंने भी खाना नहीं खाया है, उनने दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले मेरे चार कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया, उनने बाकी की दो रोटियों के चार टुकड़े करे उनको दे दिए। सोचा पानी पी लेंगे, प्यास बुझा लेंगे। एक और व्यक्ति आ गया, बोला मैं प्यासा हूँ मुझे दे दीजिए, उनने पानी उसे दे दिया। उनने कहा कोई बात नहीं। वो जो व्यक्ति था वो इंद्र बन करके प्रकट हुआ, बोले साहब आपके पुण्य अपरिमित हो गए, आप स्वर्ग चलिए और वहां पर सारे ऐश्वर्य के साधनों का भोग करिए। उनने कहा कि स्वर्ग तो मैं चला जाऊंगा, वहां पर क्या है? बोले वहां पर एक से एक बढ़कर भोग के साधन है, और बोले वहां पर गरीबों के दुख को दूर करने की सुविधा है। बोले साहब ऐसे कोई अरेंजमेंट वहां पर नहीं है, वहां पर आप आराम कर सकते, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, आराम कर सकते आप, पर आप दुख दूर नहीं कर सकते। तो वो बोले रंतिदेव, बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, न तो मुझे राज्य की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, न स्वर्ग के भोग की कामना है। कामे दुख तप्ता नाम प्राण नाम अर्थ नाशनम, एक ही कामना है कि जब तक दुख से तप्त एक भी व्यक्ति धरती पर है मुझे उठा करके मैं ले जाओ, मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। तो दोस्तों ये परंपरा अपने यहाँ परंपरा थी उत्सर्ग की, कि हम दूसरे के लिए जिएंगे, और जब दूसरा भाव हमारे अंदर आता है तो मानवता का भाव आता है। और एक छोटे छोटे उदाहरण, ये बालक जो जन्म से देख नहीं सकता था, मलेशिया का रहने वाला, इसके माता पिता ने कहा कि साहब हम तो देख नहीं सकते, हमारे बच्चा तो देख नहीं सकता, हमको जितना देखना था हमने देख लिया। दोनों ने अपनी एक एक लाइव आंख, जिंदा आंख अपने बच्चे को दे दी। बोले हमें जितना देखना था हमने देख लिया, हम लोग एक आंख से गुजारा कर लेंगे पर हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। यह है कंपैशन, करुणा, मानवता। उसके साथ एक और उदाहरण है दोस्तों, ये दो अंधे व्यक्ति बहुत देर से कोशिश कर रहे थे नल खोलने की, और नल खोल नहीं पा रहा था। एक बंदर ऊपर चढ़कर के देख रहा था कि इनको तकलीफ हो रही है, तुरंत नीचे उतरा, उसने नल खोल दिया। जब जानवर के अंदर ये भाव हो सकता है दोस्तों, तो हम तो इंसान हैं, हमारे को भगवान ने ज्यादा दे करके भेजा। पहला है उद्देश्य, दूसरा है उत्सर्ग का भाव, और फिर है डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट। जब भी डिटर्मिनेशन की बात आती है तो आदमी के पास बहाने भी आ जाते हैं कि जिनने किया उनके पास बहुत कुछ था, हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही एक उदाहरण कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बालक, इसने अपने जीवन के 21वें वसंत को नहीं देखा। ही डाइड बिफोर 1 month बिफोर इस 21st बर्थडे। टेरी फॉक्स नाम है, कनाडा का रहने वाला, 20 साल का था, उसको कैंसर हो गया, सारे शरीर में फैल गया, बोन के एक एक हिस्से में चला गया। तो डॉक्टरों ने उसकी एक पैर को काटा, आप देखो तो लोहे की रॉड लगी हुई है, और डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 5 महीने का जीवन और है आपका, इसके बाद आप नहीं जी पाओगे। और कोई और होता तो मन में डिप्रेशन आ जाता, उसके हताशा निराशा घेर लेती कि अब मेरा जीवन तो कुछ बचा नहीं, आदमी मरने की सोचता। पर टेरी फॉक्स ने सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा, उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। उसने कहा ऐसा है कि मैं एक पैर पर दौड़ूंगा, और यदि मैं 1 किलोमीटर दौड़ लूं
तो फिर जिन लोगों के अंदर भी देने का भाव है वो कैंसर की रिसर्च के लिए $100 दे दें। तो वो दौड़ा और 143 दिन तक लगातार दौड़ा, 5373 किलोमीटर दौड़ा। आप कल्पना करके देखो, 5373 का मतलब है कि यदि आप लंदन जाना चाहो तो 7200 किलोमीटर होता है, 1000 किलोमीटर और जोड़ लो तो आप लंदन पहुंच जाओगे, इतना दौड़ा। और अपने जीवन में $200 मिलियन इकट्ठे करके गया कैंसर के रिसर्च के, जो एंटायर कैंसर रिसर्च है वो एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित। आदमी के मन में डिटर्मिनेशन आ जाए तो अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों, My name is Jessica Cox and I live in Tucson, Arizona. I'm a motivational speaker. I've traveled to 17 different countries. My situation of being born without arms requires a lot of creativity. I would see all the kids around me climbing up the monkey bars or climbing up the slide, and for me I felt somewhat frustrated because I was prevented from that. I wanted to run up and climb up that slide just like all the other kids. At times I would vision flying over the playground and being Superwoman. I realized that I needed to adapt to the way everyone else did things, and it wasn't about catering to my needs or my special situation, but it was more about me adapting and being creative and coming up with ways of using my feet or using other methods to become independent. Put my pants onto the hook, then I just step into the pants like this, and I wiggle my way into my pants. I've heard the saying a number of times that, you know, life is 10% what happens to you, 90% of how you respond to it. So that's why I fell in love with psychology. Psychology fascinated me in that sense, that it really did credit a lot to how we thought. It was a 3-year process to become a pilot. I had to find a specific airplane, and it has 2 less controls than most standard airplanes, and so therefore I can actually keep my right foot on the yoke, my left foot on the throttle. The most incredible, most empowering experience I've ever had. It was great. It's that feeling of being free, of being, you know, in the sky, and just that incredible feeling of being up there. What I enjoy is not really knowing where I'm going to be next. In the next 4 months, I'm going to be in 4 different countries. And I remember promising myself I would never again wear those fake, heavy, prosthetic arms. Here's our flight. We will go out to the different areas of Ethiopia, visit with the families of children with disabilities, and help them overcome their own difference as well, and bring that confidence that I had to develop over the years, and help share that with them. The achievement that I am most proud of, I think, is maturing from someone who was angry and upset about being differently abled, being someone who was different, to now being able to celebrate that and use it as an opportunity to give hope and inspiration to other people. दोस्तों, जिंदगी में यदि कभी भी ऐसा लगे कि हम लोगों का डिटर्मिनेशन कमजोर पड़ रहा है, टेरी फॉक्स को याद कर सकते हैं, पैर पर 5373 किलोमीटर दौड़े, जैसिका को याद कर सकते हैं, दोनों हाथ नहीं है उसके बावजूद साइकोलॉजी में ऑनर्स हैं हार्वर्ड से, दुनिया की अकेली आर्मलेस पायलट है और कराटे में ब्लैक बेल्ट है 21 साल की उम्र में, अष्टावक्र को याद कर सकते हैं, जब वो पैदा होने वाले थे, गर्भ में थे, उनके पिता वेदों को पढ़ने के लिए बैठे कहोड़ ऋषि, तो उनने अंदर गर्भ में से बोला अष्टावक्र ने कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। कहोड़ ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? बोले, आप ये बताइए कि चंद्रमा किधर है? उनने इशारा करा,
बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा थोड़ी, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। बोले वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, ज्ञान आत्मा के अंदर है। बहुत गुस्सा आया गौड़ ऋषि को, उनने कहा पैदा नहीं हुआ ऐसी बातें कर रहा है। उनने गुस्से में उसे श्राप दिया कि जा तू आठ जगह से टेढ़ा हो, अष्टवक्र, ताकि अष्टांग योग न कर सके। तो अंदर से अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है, शरीर टेढ़ा कर लोगे पर मन तो टेढ़ा नहीं कर सकते। दोस्तों उनको याद कर सकते हैं। और इसके बाद जो अंतिम बात निकल करके आती है वो उत्थान की बात निकल करके आती है कि जीवन में उद्देश्य हो, समाज के लिए कल्याण का भाव हो, एक डिटर्मिनेशन हो। उसके बाद इस भाव की आवश्यकता है कि हम लोगों को साथ साथ मिलकर के एक सम्मिलित और अच्छा प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अच्छा प्रयास इस दृष्टि से करने की आवश्यकता है कि परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो उनको बिगड़ने के लिए लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रयत्न उनको सुधारने में करना पड़ता है। यदि कोई आदमी सड़क पर जा रहा हो और कोई आकर के उसे चाकू मार दे तो उसे चाकू मारने के लिए किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने डिग्री ले रखी लोगों को चाकू मारने में, पर उस घाव को भरने के लिए आपको क्वालिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है। चीजों को सुधारने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, बिगाड़ने के लिए नहीं होती। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग यदि सामूहिक रूप से एक साथ अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर एक के अंदर उत्कर्ष का भाव निकल करके आएगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया मात्र उनकी वजह से बुरी नहीं है जो लोग बुरे हैं, उनकी वजह से भी बुरी है जो लोग अच्छे हैं, पर सब कुछ देख करके भी हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। दोस्तों इसको याद करने की आवश्यकता है। और ये प्रेजेंटेशन यहाँ आप लोगों के सामने लाने के पीछे का उद्देश्य एक ही था कि जब जीवन में चार चीजें जुड़ती हैं, उद्देश्य है, उत्सर्ग है, उत्थान का भाव है, डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, तो फिर गुरुदेव जैसे, विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, महर्षि अरविंद, रमण महर्षि जैसे व्यक्तित्व निकल करके आते हैं। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, ये बात पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, कि आप में से हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य संभावना है। अकेले में अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि उसको साकार करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति विवेकानंद हो जाए, गुरुदेव हो जाए जरूरी नहीं है, पर हर व्यक्ति वो हो सकता है जो होने के लिए वो पैदा हुआ है। यदि आप वो हो जाते हैं जो आप होने के लिए पैदा हुए हैं तो आपके अंदर उत्कर्ष की राहें खुल जाती हैं। दोस्तों ये याद दिलाने के लिए कि हम में से हर एक के अंदर ये संभावना है, छोटा सा प्रेजेंटेशन था। और इसके साथ साथ ये प्रेजेंटेशन इसलिए भी था दोस्तों कि आप लोगों को दो निमंत्रण दिए जा सके। एक निमंत्रण शांति कुंज हरिद्वार जिस स्थान से मैं आया, गुरुदेव ने गायत्री परिवार के मुख्यालय के रूप में इस छोटे से आश्रम को बनाया है। तो खैर पुराना फोटोग्राफ है 1986 का, अब तो आश्रम 500 एकड़ में फैल गया है, 22,000 के करीब लोग वहां रह सकते हैं। पर जो अद्भुत भाव है उसके पीछे का वो ये कि पूरी तरह से निःशुल्क है, आप चाहे एक दिन के लिए आए या एक पूरे जीवन के लिए आए, पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। पैसे के लिए शांति कुंज नहीं, शांति कुंज अच्छी भावनाएं देने के लिए है, अच्छी प्रेरणा देने के लिए है। आप लोग आज की तारीख के बाद से मान सकते हैं कि आपका एक घर हरिद्वार में है शांति कुंज के नाम से, बस ताला लगा करके चाबी आपको नहीं दे सकता हूं, पर घर आपका है। आप पूरी तरह से जब आना चाहें तो वहां पर आएं। आत्म परिष्कार और लोक मंगल के भाव से गुरुदेव ने शांति कुंज को बसाया। तीन केंद्र वहां पर हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए एक रिसर्च सेंटर है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, कभी अलग से आप उसको देख लीजिएगा, पर भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जहाँ के चारों कन्वोकेशंस में से तीन बार भारत के राष्ट्रपति ने उसकी अध्यक्षता करी है। एक अद्भुत भाव उस विश्वविद्यालय के पीछे था। हम उन विद्यार्थियों का चयन करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है पर पढ़ने में उज्ज्वल है, और उन विद्यार्थियों को वहां लाकर करीब 72 कोर्स प्रोग्राम चलते हैं, वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और हर विद्यार्थी चूंकि समाज उसकी पढ़ाई को, उसके भार को वहन करता है, इसलिए 3 महीने जाकर के समाज सेवा करता है तब अपनी डिग्री को लेता है। तो एक अद्भुत भाव के साथ बना हुआ विश्वविद्यालय। और इसके साथ अंतिम बात कि ये प्रेजेंटेशन शेयर करने के पीछे का भाव ये था, जैसा गुरुदेव ने कहा कि इन दिनों मानवता एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, यदि हम लोग सही निर्णय नहीं लेंगे तो इसके बाद वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं कर सकेगी, वो कहेगी कि आप कैसा शमशान छोड़ करके गए हमारे लिए। तो याद करने की आवश्यकता है दोस्तों कि हमें अपने बच्चों को एक सुखद और समुन्नत भविष्य देने की आवश्यकता है, लोगों के हृदय से स्वार्थ और संकीर्णता के भाव को दूर करने की आवश्यकता है। ये दुनिया हमारी है, इसको बदलने के लिए कोई मंगल ग्रह से आने वाला नहीं है, इसको बदलने के लिए हम ही लोगों को सत प्रयास करने की आवश्यकता है। और यदि भाव हमारे अंदर आता है दोस्तों तो फिर आज के इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य पूरा हो पाता है। और अंत में जब भी बात परिवर्तन की आती है तो लोग कहते हैं कि साहब हम ही क्यों करें, और लोग शुरू करें तो इस बात को हम भी करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए एक छोटी सी कहानी है। होरेशियस रोम की सेना का सेनापति था और
300 लोग उसके पास थे, क्लूशियम की सेना ने 4000 लोगों के साथ हमला कर दिया, हर कोई भाग गया छोड़ करके, सिर्फ दो सहयोगी रह गए। और दुनिया के इतिहास की उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जब तीन लोगों ने पूरे फोर्ट को संभाला और 4000 लोगों को अंदर नहीं आने दिया, पर उसमें उसके दो सहयोगी जो है वो क्षत हुए, दे डाइड। और उनमें से एक ने मरने से पहले उससे पूछा कि वाई आर वी हियर, हम भी मर गए होते तो क्या दिक्कत थी, हम भी भाग गए होते तो क्या दिक्कत थी। देन आउट स्पेक ब्रेव होरेशियस, तब होरेशियस बोला, द कैप्टन ऑफ द गेट, सेना का सेनापति, टू एवरी मैन अपॉन दिस अर्थ डेथ कम सून और लेट, हमें से हर एक के ऊपर मृत्यु आती है, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, एंड हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स, इससे बेहतर मृत्यु क्या होगी कि आई एम डाइंग फॉर द एशेज ऑफ हिज फादर्स इन द टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स, कि मैं इस देश की, राष्ट्र की, संस्कृति की, यहाँ के मंदिरों की रक्षा करते हुए मर रहा हूँ, इससे बड़ी गर्व की और गौरव की मृत्यु नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यदि हम सही उद्देश्य के साथ जीते हैं और सही उद्देश्य के साथ विदा होते हैं तो जीवन में उत्कर्ष आता है। बस इन्हीं संभावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य कलरफुल स्लाइड्स दिखाना नहीं था दोस्तों, हृदय में एक इंस्पिरेशन को पैदा करना था कि आप लोग जाएं तो इस राष्ट्र को, संस्कृति को बदलने के भाव को लेकर के जाएं। यदि हम में से हर एक के अंदर ये भाव आ जाता है तो फिर ये देश, ये राष्ट्र, ये संस्कृति कुछ और होगी। अंत में एक राष्ट्रगान है, और उस राष्ट्रगान को कहने से पहले दो बातें कहना चाहता हूँ दोस्तों। ये राष्ट्रगान इस प्रेजेंटेशन का पार्ट है और भावना की दृष्टि से है। सामान्य रूप से राष्ट्रगान के एंड होते ही प्रेजेंटेशन एंड हो जाता है, पर यहाँ पर आज का कार्यक्रम एंड नहीं हो रहा, अभी प्रोफेसर काणे जी का महत्वपूर्ण वक्तव्य बाकी है। तो इसलिए मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, उनके विचारों को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर रुकें। साथ ही साथ इस राष्ट्रगान के शुरू होने से पहले एक और बात आप लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूँ। 26, 27, 28 जनवरी के दिन नागपुर की धरती पर हम लोग युग सृजेता कार्यक्रम करने जा रहे हैं। भारतवर्ष के चुनिंदा 50,000 युवा यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिन पर विगत 2 वर्षों से गायत्री परिवार निरंतर कार्य कर रहा है, और उनको हम देश को सौंपने के लिए जा रहे हैं कि युवा व्यक्तित्व जो अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से जाकर राष्ट्र के सामने एक नई तरह की परिभाषा को रखें, एक नई तरह के उदाहरण को रखें, और उसकी साक्षी, उसका एक गवाह नागपुर शहर बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, और इस अवसर पर आप लोगों को फिर से सादर निमंत्रण दूंगा, आमंत्रण दूंगा कि समय निकाल करके उस अद्भुत कार्यक्रम में अवश्य पधारें। एक अपने आप में अद्भुत और दिव्य समारोह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। अंत में राष्ट्रगान के लिए सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।